आखिरी बार दीदार कर लीजिए मीठी को, आखिरी बार देख लीजिए उतरन को, आखिरी बार समझ लीजिए उतरन का मतलब। फाइनली हो गया कलर्स की सीरियल उतरन का पैकअप, पर वो कहते हैं ना ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। एक जमाने में टीआरपी की परचम लहराने वाला सीरियल एंड हुआ हैप्पी नोट पर। बहुत अच्छा सफर था, बहुत बहुत खुशी के साथ हर एक पल हर एक लम्हा बिताया हमने। 6 साल इस शो में गुजारा है, डेफिनेटली बहुत करीब है हर एक लम्हा हर एक पल। बहुत ज्यादा ही मिस करूंगी इस शो को, मेकअप रूम को, अपने दोस्तों को, सबको बहुत मिस करूंगी। मेरा ट्रैक तो 6-8 महीने पहले ही खत्म हो गया था, तब से मैं शो को मिस कर रहा हूँ। आज जब पता चला कि आखिरी दिन है शूटिंग का, तो मैं आ गया हूँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। पूरे 6 साल उतरन ने दर्शकों को कभी हंसाया तो कभी रुलाया। आज मीठी की आंखों में फिर से आंसू हैं, फिर से दर्द है, दर्द है सबसे बिछड़ने का। बहुत ज्यादा सेट पे नहीं मिलेंगे बट हम लोग, हाँ मतलब का फील अलग होता है। इस मेकअप रूम में कभी नहीं आएंगे, मेकअप नहीं होगा, लास्ट टाइम आज टचअप कर रही हूँ, लास्ट टाइम मेकअप के सामने बैठ रही हूँ इस मेकअप रूम में। सो ये बेड जहाँ पे मैं थक जाती थी, 18-18, 20-20 घंटा काम करना, डे नाइट काम करना, इधर ही सो जाती थी। ऐसे भी दिन थे जब हमारा 2-3 दिन नॉन स्टॉप शूटिंग था, तो मैं इधर ही रुक जाती थी, इधर ही सोती थी। सारी चीज़ें बहुत मिस करूँगी डेफिनेटली। और साथ ही खुशी है अपनी दोनों बच्चियों को मिलाने की। दामिनी जी असली मतलब समझाते उतरन का, और सब हैप्पी फैमिली जैसे हर शो का एंडिंग होता है, दो बच्चे मिल जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और सब खुशी खुशी। और देखे तो पहले एपिसोड में सबको तोड़ने वाली नानी माँ आखिरी एपिसोड में कह रही हैं कि उन्हें उतरन का मतलब समझ में आया। सच आज इतने परसों बाद समझ में आया कि क्या होती है उतरन। सबसे बड़ा मोमेंट यही मिस करूंगी। नहीं नहीं वो मोमेंट मैं बताती हूँ क्या है। एक मिनट, मतलब कोई ये सोच नहीं सकता कि जिस बच्ची के साथ मेरे को इतने नफरत में लोगों ने स्क्रीन में देखा है, वो बच्ची मेरे साथ रियल लाइफ में ऐसे रहती है। इसी के साथ अम्मो की तपस्या भी खत्म हुई जो शुरू हुई थी पहले एपिसोड में। कुछ कुछ जो शो होते हैं ना, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और उस हिसाब से ये शो बहुत ही फुलफिलिंग, बहुत ही संपूर्ण रहा है। इच्छा और टप्पू की कहानी, वीर की लव स्टोरी, इनकी बहुत सारी शादियां, इनके बच्चों के बाद फाइनली कहानी थमी है मीठी की जिंदगी की उथल पुथल के साथ। पिछले 5 सालों में कभी मीठी कभी इच्छा के किरदार को निभाकर टीना दत्ता ने टेलीविजन की दुनिया में नया मुकाम हासिल किया। चैनल और प्रोडक्शन को सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया और मुझे इच्छा का कैरेक्टर सौंपा था, और इच्छा का कैरेक्टर मैंने अच्छे से निभाया। फिर उन्होंने इच्छा मीठी दोनों का कैरेक्टर दिया, वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। उतरन ने कई कलाकारों की जिंदगी बदली, जिसमें सबसे ऊपर है रश्मि देसाई यानी तपस्या, लेकिन आखिरी एपिसोड में रश्मि देसाई नहीं पहुंच पाई। शुरू में मैं रश्मि के साथ 2-2.5 साल मैंने रश्मि के साथ काम किया, तो शुरू में मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करती थी डेफिनेटली। जब उसने उसका लास्ट सीन था शो में, तो मैं एक्चुअली बहुत रो रही थी बिकॉज शी वॉज गोइंग अवे फ्रॉम द शो। देन बीच में वो थोड़े टाइम नहीं थी, फिर वो वापस आ गई शो में, तो वापस हम लोग बहुत अच्छे से मस्ती करते थे, बहुत खुश थे, वापस वो चली गई, तो उसको बहुत मिस करती थी। बट यू नो टाइम हील्स एवरीथिंग, तो धीरे 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 गॉट यूज टू इट। लेकिन इन आखिरी पलों में सीरियल के कई कलाकारों ने अपनी यादें बांटी। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि ये सारे किरदार और कलाकार बहुत जल्द ही किसी नए शो में अलग अलग अंदाज में नजर आए। फिलहाल सास बहू और बेटियां की पूरी टीम की तरफ से उतरन की टीम को ऑल द बेस्ट, एंड वी विल मिस यू इच्छा और टप्पू।